सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। श्रोताओं, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है उसको हम अहोई अष्टमी के नाम से जानते हैं। करवा चौथ के चार दिन बाद यह तिथि आती है, तो जैसे करवा चौथ का व्रत होता है उसी प्रकार से वही अष्टमी का भी व्रत किया जाता है। करवा चौथ में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद जो व्रतधारिणी स्त्रियां होती हैं वो व्रत का पारण करती हैं, और जो वही अष्टमी का व्रत है इसमें तारों को अर्घ दे करके अपने व्रत का पारण करती हैं, ऐसी विधि है। तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो होई जो अष्टमी तिथि है उसको ओई अष्टमी के नाम से जाना जाता है। ये प्रचलित कैसे हुई इसके पीछे एक कथा है जो इसकी महिमा को बताती है कि जिन स्त्रियों के पुत्र होते हैं, पुत्रियां होती हैं, बच्चे होते हैं, वो इस व्रत को करती हैं। घर में सुख होता है, समृद्धि होती है, अनेक प्रकार के मंगल कृत्य घर में होते हैं व्रत करने से। तो इसके पीछे कथा है एक, इसमें कथा आती है कि प्राचीन काल की बात है कि एक साहूकार जिसके सात बेटे हैं, सात बहुएं हैं, तो वो अपने घर में सुख समृद्धि से रहते हैं, प्रत्येक त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, चाहे वो दिवाली है, चाहे दशहरा है, चाहे करवा चौथ है, चाहे वही अष्टमी का व्रत है। तो एक बार की बात है कि इनकी बेटी भी दीपावली के अवसर पर अपने पिता के घर में आई हुई थी। तो दीपावली से पहले हम सब लोग अपने घर की लिपाई पुताई करते हैं, सफ़ेदी इत्यादि करते हैं अपनी परिस्थितियों के अनुसार। तो ये अष्टमी के दिन अपनी भाभियों के साथ, ये जो साहूकार की बेटी है अपनी भाभियों के साथ मिट्टी लेने के लिए चली जाती है। तो एक मांद में से जब मिट्टी खोद रही थी घर में लिपाई पुताई करने के लिए, तो इसकी खुदाली से यानी इसके खुरपे से एक शाहू का बच्चा मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ पर शाहू रहती थी, उसके बच्चे थे, देव योग से कुदरती ऐसा हुआ। तो शाहू को जब पता लगा कि इसने मेरे बेटे को मार दिया है, तो उसने कहा कि तूने बहुत दुष्ट कृत्य किया है, इसलिए मैं तुम्हें इसका दंड अवश्य दूंगी, मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी जिससे तुम्हारे बच्चे नहीं होने के। तो जब उसने ऐसा सुना तो उसने अपने भाभियों से कहा कि अभी तो मेरे कोई बच्चा भी नहीं है, तो आप मेरे बदले में अपनी कोख बंधवा लीजिए। तो उसकी सारी भाभियों ने इनकार कर दिया, लेकिन जो छोटे वाली भाभी थी उसने अपनी ननंद की बात मान ली, कहा कि ठीक है तुम्हारे बदले में मैं अपनी कोख बंधवा लेती हूँ। तो जो छोटी भाभी है उसको अपनी कोख बंधवा लेती है, और उसके बच्चे जब भी होते हैं, जब भी कोई बच्चा हुआ मृत्यु को प्राप्त हो गया, फिर बच्चा हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ, 6-7 दिन के बाद उसका बेटा मर जाता है। उसको लगा कि ये क्या हो रहा है ऐसा, तो एक दिन पंडित जी को बुलाया, तो पंडित जी ने फिर उनको सोच विचार करके बताया कि तुमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, इसलिए तुम गौ माता की सेवा करो और जो कार्तिक मास की अष्टमी तिथि है उसका व्रत करो, यदि तुम ऐसा करती हो तो तुम्हारे बच्चे अर्थात जो भी तुम्हारे घर में संतान होगी वो अवश्य ही दीर्घायु होगी। तो ऐसा विचार करके गौ माता की सेवा करने के लिए वह जो साहूकार की छोटे वाली बहू है जिसकी कोख बंद चुकी है शाहू माता के द्वारा, तो वो गौ माता की सेवा करने के लिए पहुंच जाती है। लेकिन वो सेवा इस भाव से करती है कि किसी को पता ना चले, आराम से जाती है, गौ माता के नीचे झाड़ू पोछा करती है, झाड़ू लगा देती है, गोबर उठा देती है, गौमूत्र की जगह जहाँ पर गिली होती है वहाँ पर सूखा बिछा देती है, घास चारा डाल देती है। इस प्रकार करते करते कई दिन बीत गए, तो जो सुरही माता है गौ माता उसको लगा कि कौन ऐसा है जो मेरी सेवा कर रहा है। तो जब उसने एक दिन देखा कि ये जो महिला है ये मेरी सेवा करने के लिए आती है, तो उसने उससे पूछा कि तुम मेरी सेवा क्यों करती हो। तो फिर उसने सारी बात बताई कि इस प्रकार से मेरी कोख बंधी हुई है और जो मेरे बच्चे पैदा होते हैं हे गौ माता वो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए पंडित जी ने बोला है कि आपकी सेवा करूँ। तो गौ माता कहती है कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा काम अवश्य ही करूँगी, तुम मुझे शाहू माता के पास लेकर के चलो। जब वह साहूकार की जो छोटे वाली बहू है गौ माता को लेकर के चलती है, तो रास्ते में आराम करते हैं, जब आराम करने के लिए बैठे तो एक सर्प को उसने देखा।
एक सांप को देख करके उसको ऐसा लगा कि यहाँ पर एक गरुड़ पंखनी नाम की पक्षी रहती है, उसका बच्चा और उसके खाने के लिए ये जा रहा है, तो उसने उसको वहाँ से भगाया, सांप को मार दिया और गरुड़ पंखनी के बच्चे की रक्षा की। उसके अंदर दया भाव आया, यानी जो दया भाव अपने दूसरों के प्रति रखता है तो भगवान भी उसकी सहायता अवश्य करते हैं। तो उसके अंदर दया भाव आया, उसने सांप को भगा दिया, वहाँ से गरुड़ पंखनी लौटी, उसको ऐसा लगा कि ये जो महिला बैठी हुई है इसने मेरे बच्चे को मार दिया है, तो उसको वो चोंच मारने लगी, अपने पंजों से मारने लगी। तो वो कहती है, बहू कि आप मुझे क्यों मार रही हैं, मैंने तो आपके बेटे की रक्षा की है, ये सांप इसको खाने वाला था। तो गरुड़ पंखनी बड़ी प्रसन्न हो जाती है, वो कहती है कि तुम्हारा मैं क्या कर सकती हूँ लाभ, इसलिए मुझसे जो भी तुम कहोगे मांगूंगा, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो उन्हें कहा कि माँ यहाँ से बहुत दूर स्याहू माता है, तो स्याहू माता के पास हमें ले चलिए। तो गरुड़ पंखनी गाय को और उस महिला को, यानी जो साहूकार की छोटी बहू है, उसको अपने ऊपर बैठा करके स्याहू माता के पास लेकर के चली जाती है। स्याहू माता के पास जा करके, क्योंकि स्याहू माता और गौ माता आपस में बड़ी गहरी सहेलियाँ थी, एक दूसरे की बात मानती थी वो, तो गौ माता ने कहा कि मेरे साथ ये आई है बहू, ये आपकी सेवा करना चाहती है। तो स्याहू माता ने कहा कि मेरे सिर में बड़ी खुजली सी होती है, मेरे सिर को खुजलाओ। तो उसने उसके हाथ सिर में बड़ा तेल लगाया और उसके सिर को दबाया, उसको आराम मिला। उसने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से बड़ी प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगती हो। अब वो जो साहूकार की बहू है वो कहती है कि पहले मुझे वचन दो, यदि आप मुझे वचन देती हैं तो मैं बताऊंगी, अन्यथा मैं आपको किसी प्रकार की आपके आगे मांग नहीं रखती हूं। तो साहू माता कहती है कि मैं तुम्हें वचन देती हूं, जो तुम मांगोगे मैं वही देने के लिए तैयार हूं। उसने कहा कि हे माँ, आपने मेरी कोख बांध रखी है, इसलिए मैं आपसे ये चाहती हूं कि मेरी कोख को खोल दें। इससे पहले साहू माता उसको वरदान देती है कि तुम्हारे घर में 7 बेटे हों और 7 बहुएँ हों, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। तो फिर वरदान लेकर के सारी बातचीत करके वहाँ से स्याहू माता के पास से, स्याहू माता कहती है कि तुमने मुझे ठग लिया है, वचन में बांध लिया है, तुमने तो बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया था तुम्हारी ननंद ने, तो इसलिए वो सारी क्षमा याचना करती है स्याहू माता के आगे, अपने घर में लौटती है और आकर के अपने व्रत करती है, वही अष्टमी का व्रत करती है। वही अष्टमी का व्रत जो 6 उसकी जेठानियाँ हैं वो विचार करती हैं, वो भी व्रत करती हैं, अपने बच्चों को बोलती हैं कि जाओ तुम चाची के पास, देखो वो क्या कर रही है, इससे पहले कि वो रोना धोना शुरू कर दे हम भी अपना भोजन कर लेते हैं। तो वो जब चाची के पास जाते हैं तो चाची को देखते हैं कि वो तो व्रत अनुष्ठान में लगी हुई है, बड़ी प्रेम से पूजा कर रही है। तो साहू माता की कृपा से उसके घर में 7 बेटे हुए और 7 बहुएँ हुई। फिर वह आनंद के साथ उन्होंने वही अष्टमी का व्रत किया और हर साल इस व्रत को करने लगे। तो जिस प्रकार से साहू माता की कृपा से उसकी कोख खुली, तो हमारे शास्त्रकार और कथाकार कहते हैं कि जो भी इस व्रत को करती हैं महिलाएं, उनके बच्चों की आयु लंबी होती है, सुख और समृद्धि उनके घर में आ जाती हैं, सब प्रकार की मनोकामनाएं भगवती वही माता उनकी पूर्ण करती हैं। वही का अर्थ यह भी मानते हैं कि जो अनहोनी को टाल दे, अर्थात अनहोनी को भी जो होनी बना दे, उसको कहते हैं वही माता। तो ऐसी वही माता का व्रत जो करते हैं महिलाएं करती हैं, उनके बच्चों की आयु लंबी होती है। और हम भी आपके लिए ये मंगल कामना करते हैं कि आप इस व्रत को करें और भगवान आपके घर में सुख समृद्धि दें, आपके बच्चों की आयु लंबी हो, आप हर प्रकार से समृद्ध रहें। बोलो जगदम्बा मैया की जय, ओही माता की जय।